टेंस। टेंस का हिंदी अर्थ होता है काल अर्थात समय। आपको पता है टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। इन तीनों टेंसेज के चार चार प्रकार होते हैं। प्रेजेंट टेंस के चार प्रकार, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से पास्ट टेंस का भी चार प्रकार होता है, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और लास्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसी प्रकार से फ्यूचर टेंस के भी चार प्रकार होते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पर टोटल हो गया हमारा 4 या 12 टेंस, 4 4 4 तीनों में है तो 12 टेंसेज। इन 12 टेंसेज का स्ट्रक्चर और एक एक एग्जाम्पल्स, इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर, उसके बाद अफर्मेटिव स्ट्रक्चर और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, तीनों जानेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और लास्ट तक देखिए अगर आपको टेंस सीखना है तो। चलिए अब स्ट्रक्चर जानना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के तीनों स्ट्रक्चर्स को जानेंगे। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल जैसे ही ड्राइव्स ए कार। जैसे कि अगर आप इसका विस्तार से वीडियो देखना चाहते हैं तो हमने इसके लिए बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख सकते हैं। सिर्फ अफर्मेटिव में वर्ब 5 होता है, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ही डज नोट ड्राइव ए कार, तो इसमें नोट लगता है लेकिन इसमें सिर्फ वर्ब 1। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे कि डज ही ड्राइव ए कार, तो यहाँ पर देख लीजिए सिर्फ वर्ब 1 यहाँ पर हुआ है इंट्रोगेटिव में और क्वेश्चन मार्क लास्ट में देना है क्योंकि इसका हिंदी होता है प्रश्नवाचक। चलिए अब दूसरा टेंस समझते हैं। दूसरा टेंस है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब 1 प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब 1 में आई एन जी जोड़ते हैं तो वर्ब 4 हो जाता है, या तो वर्ब 4 लिख देंगे। जैसे कि ही इज ड्राइविंग ए कार, सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग होगा। नेगेटिव स्ट्रक्चर इसका होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस वर्ब 1 प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि ही इज नोट ड्राइविंग ए कार। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे कि इज ही ड्राइविंग ए कार और क्वेश्चन मार्क दे देंगे। चलिए अब समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब 3, देखिए वर्ब का 5 फॉर्म्स होता है जिसका वीडियोज हमने अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल होगा ही हैज़ ड्राइवन ए कार, सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव का प्रयोग होगा। नेगेटिव स्ट्रक्चर इसका होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नोट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ही हैज नोट ड्राइवन ए कार। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होगा हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे हैज ही ड्राइवन ए कार क्वेश्चन मार्क। चलिए अब प्रेजेंट टेंस का चौथा प्रकार समझते हैं। चौथा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस वर्ब 1 प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि ही हैज बीन ड्राइविंग ए कार। इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब 1 प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि ही हैज़ नॉट बीन ड्राइविंग ए कार। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होगा हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब 1 प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे कि हैज ही बीन ड्राइविंग ए कार और इसमें क्वेश्चन मार्क देंगे। चलिए प्रेजेंट टेंस खत्म हुआ, अब समझते हैं पास्ट टेंस के चारों टेंसेज के एग्जाम्पल्स के बारे में। दूसरा टेंस हमारा है पास्ट टेंस जिसमें सिंपल पास्ट टेंस का तीनों स्ट्रक्चर जानेंगे। तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि ही ड्रोव ए कार, ड्राइव का वर्ब टू ड्रोव। इसका नेगेटिव हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ही डिड नॉट ड्राइव ए कार। और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव में सभी में क्वेश्चन मार्क होता है। जैसे कि डिड ही ड्राइव ए कार। तो इस प्रकार से सिंपल पास्ट टेंस समझे। अब चलिए पास्ट इम्परफेक्ट टेंस को समझते हैं। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आपको बताए थे कि वर्ब वन में आईएनजी जोड़ेंगे तो वर्ब फोर ही हो जाता है। तो एग्जाम्पल समझते हैं। ही वाज ड्राइविंग ए कार। नेगेटिव स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नोट प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ही वाज नॉट ड्राइविंग ए कार। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होगा वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे वाज ही ड्राइविंग ए कार। वाज वेयर का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ वेयर का प्रयोग। अब चलिए पास्ट टेंस का तीसरा प्रकार समझते हैं। टेंस का तीसरा प्रकार है पास्ट परफेक्ट टेंस। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होगा इसका सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग होगा। जैसे ही हैड ड्राइवन ए कार। नेगेटिव स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ही हैड नोट ड्राइवन ए कार। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे हैड ही ड्राइवन ए कार क्वेश्चन मार्क। चलिए अब पास्ट टेंस का लास्ट प्रकार पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में समझते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि ही हैड बीन ड्राइविंग ए कार। और इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि ही हैड नोट बीन ड्राइविंग ए कार। और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे कि हैड ही बीन ड्राइविंग ए कार क्वेश्चन मार्क। अब इस प्रकार से ये पास्ट टेंस खत्म हुआ। अब चलते हैं फ्यूचर टेंस पर। फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में है सिंपल फ्यूचर टेंस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ही विल ड्राइव ए कार। इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ही विल नॉट ड्राइव ए कार। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होगा शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल इसका होगा विल ही ड्राइव ए कार क्वेश्चन मार्क। चलिए इसका दूसरा प्रकार समझते हैं। दूसरा प्रकार है फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ही विल बी ड्राइविंग ए कार। नेगेटिव स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नोट प्लस वी प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ही विल नॉट बी ड्राइविंग ए कार। और इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होगा शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे विल ही बी ड्राइविंग ए कार क्वेश्चन मार्क। चलिए इसका तीसरा प्रकार समझते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि ही विल हैव ड्राइवन ए कार। नेगेटिव स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ही विल नॉट हैव ड्राइवन ए कार। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होगा शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल इसका होगा विल ही हैव ड्राइवन ए कार। इसका लास्ट प्रकार है उसको समझते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे ही विल हैव बीन ड्राइविंग ए कार। नेगेटिव स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नोट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे ही विल नोट हैव बीन ड्राइविंग ए कार। और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होगा शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, जैसे विल ही हैव बीन ड्राइविंग ए कार क्वेश्चन मार्क। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।